अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। मुलायम सिंह के स्वास्थ्य के बारे में आई नई जानकारी, मेडिकल रिपोर्ट जारी होने के बाद समर्थक कर रहे दुआ। गुरुग्राम के वेदांता अस्पताल में भर्ती हैं नेताजी मुलायम सिंह। साधना गुप्ता का भी चल रहा है अस्पताल में इलाज। अखिलेश यादव दे रहे हैं पल पल की अपडेट। कल रात जब से नेताजी मुलायम सिंह यादव की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उसके बाद से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हासिल करने में हर शख्स लगा है। नेताजी मुलायम सिंह यादव के अलावा साधना गुप्ता का भी कोरोना का इलाज गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में चल रहा है। वहीं अखिलेश यादव पल पल की खबर ले रहे हैं और चिकित्सकों की टीम लगातार मुलायम सिंह यादव का इलाज कर रही है। वहीं अब नेताजी की मेडिकल रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके बाद समर्थकों की कुछ चिंता कम हुई है और दुआओं का दौर लगातार जारी है। सूत्रों की माने तो नेताजी की सेहत में अब सुधार देखने को मिल रहा है और चिकित्सकों का कहना है कि जल्द ही नेताजी मुलायम सिंह यादव एकदम फिट हो जाएंगे। वहीं साधना गुप्ता की सेहत में भी सुधार देखने को मिला है। नेताजी की मेडिकल रिपोर्ट सामने आने के बाद समर्थकों ने राहत की सांस ली है। परिवार के सदस्य और अन्य दलों के नेता नेताजी मुलायम सिंह यादव के जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं और तमाम दलों के नेता मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य की जानकारी फोन के जरिए ले रहे हैं। वहीं इस बीच मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा विष्ट यादव ने फेसबुक पर पोस्ट लिखकर दोनों के जल्दी स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। अपर्णा ने लिखा कि देश के लोकप्रिय नेता हम सब के आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी और मेरी सासू माँ जल्दी ही कोरोना को पराजित कर हम सब के बीच होंगे। परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ। आपको बता दें कि नेताजी को सांस लेने में हल्की सी दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद उनका कोरोना टेस्ट किया गया था, जिसका नतीजा पॉजिटिव आया और फिर देर न करते हुए नेताजी मुलायम सिंह यादव को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। साथ ही साधना गुप्ता को भी अस्पताल में तुरंत इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था। एहतियातन नेताजी के संपर्क में जो भी लोग आए हैं उनका भी कोरोना टेस्ट करवाया जा रहा है। साथ ही लोगों को सलाह दी जा रही है कि अगर उनमें कोरोना के कोई भी लक्षण दिखाई दें तो वो खुद को क्वारंटीन करें और अपना कोरोना टेस्ट करवा कर उचित इलाज लें। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।